नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार माई गार्डन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, ये हमारा चंपा का प्लांट है। देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा प्लांट है और पॉट में ये लगा हुआ है। ये करीब 3 साल हो गए हैं इसको इस पॉट में लगे हुए, और इसको हमने कलम से ग्रो किया था। एक मोटी कलम थी, उससे हमने इसको ग्रो किया था। देख रहे हैं, ये एक मोटी कलम थी, इससे हमने इसको ग्रो किया था। अभी इसमें वाइट कलर के फूल भी आए थे, तो अभी काफ़ी, तो दोस्तों इसमें काफ़ी टाइम हो गया है। तो इसको अब जो इसकी रूट है, काफ़ी इसकी रूट काफ़ी हो गई है, तो इस प्लांट को अब रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। तो आज हम इस प्लांट की रिपोर्टिंग करेंगे। दोस्तों, इसको मिट्टी से बाहर निकाल कर इसकी रूट्स प्रूनिंग करेंगे और इसको हम एक दूसरे पॉट में शिफ्ट करेंगे। तो काफ़ी देख रहे हैं, काफ़ी इसमें रूट है, ये देख रहे हैं आप, इसकी रूट है काफ़ी हो गई है, तो इसे रूट्स प्रूनिंग की काफ़ी ज़रूरत थी। तो मैं एक बार इसको सारा बाहर निकाल लेता हूँ। इसको अब दोस्तों, इसको हमने पॉट से बाहर निकाल लिया, देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा मिट्टी समेत ये बाहर निकल गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसकी, देख रहे हैं रूट्स से सारी इसकी रूट्स बाउंड हो चुकी है। तो अब हम इसकी जो रूट्स है, काफ़ी रूट्स, 50% इसकी रूट हम निकाल देंगे। तो दोस्तों, देख रहे हैं हमने सारी इसकी मिट्टी हटा दी है, और इसमें देख रहे हैं आप सारी इसकी लगभग रूट से सारी इसमें मिट्टी से अंदर टूट गई है। इसके अंदर देख रहे हैं अभी भी काफ़ी रूट है, इसकी हम थोड़ी सी देख रहे हैं आप, इसमें जो रूट्स है अब भी काफ़ी है, काफ़ी फीडर रूट भी है और मेन रूट भी है। तो अभी हम इसकी और कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, अब फरवरी मंथ चल रहा है, और फरवरी और मार्च जो महीने होते हैं, उसमें आप किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, कोई भी कलम लगा सकते हैं, ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो ये एक दो महीने हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं प्लांट के कलम लगाने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए या ग्राफ्टिंग करने के लिए। दोस्तों, अब इसमें हमने देख रहे हैं ये रूट सब छोड़ दिया है, और थोड़ी सी हम इनकी जो ब्रांचें हैं उसको भी कट करेंगे, ताकि और ब्रांचें आ जाए। तो एक ब्रांच कट करेंगे तो इस पर दो ब्रांच और आएगी। तो एक ये ब्रांच आप देख रहे हैं, इसकी हम एक ब्रांच रखेंगे, और अब इसमें और नई ब्रांचें आएंगी। दिखा, यहाँ से और इसके अंदर फुटाव होगा और नई ब्रांचें आएंगी। एक हम ये काट देते हैं, एक ये काट देते हैं, ऊपर का काट। तो हमने देख रहे हैं, एक हमने इस पे रखी है, देख रहे हैं एक ब्रांच हमने इस पर रखी है, बाकी सभी ब्रांचों को हमने कट कर दिया है। आप नई मिट्टी यूज करें, क्योंकि इस मिट्टी में बहुत सी रूट्स अब मिल गई हैं। तो आप नई मिट्टी यूज करें, उसमें कंपोस्ट वगैरह मिलाकर, अगर नई मिट्टी नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा इसके अंदर ही आप रूट्स निकाल कर, तो इसके अंदर आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिलाकर इसको तैयार कर लें।
दोस्तों अब इसको हम पॉट में लगाएंगे। तो दोस्तों इसकी दूसरा पॉट है, ये थोड़ा उससे बड़ा भी है ये लग। इसमें ये मिट्टी है बिल्कुल तैयार है इसके अंदर, तो इसमें कंपोस्ट वगैरह सब मिली हुई मिट्टी तैयार है, तो इस पॉट में हम लगा देंगे। तो दोस्तों सारी रूट्स इसकी मिट्टी से कवर हो जाएगी। अब इसको बिल्कुल सेंटर में अब लगाएंगे इसको हम, तो इस पर लगा कब इसमें मिट्टी डाल देंगे। इस प्रकार अपने इसको अच्छी तरह चारों तरफ अच्छी तरह दबा दें। तो दोस्तों इसको हमने रिपोर्ट कर दिया है, अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो दोस्तों 15 दिन के लिए हम इसको शेड में रखेंगे ताकि जो इसकी जो नई रूट्स हैं आ जाएं और गमले में ये अब सेट हो जाएं। तो इसके बाद आप धूप में इसको रखेंगे, ये एक आउटडोर प्लांट है। तो दोस्तों इसके अंदर वाटरिंग कर देंगे और आप देख रहे हैं मिट्टी पहले से ही ऑलरेडी मिट्टी में नमी है, तो ज़्यादा पानी नहीं देंगे। अगर आपकी मिट्टी सूखी है तो इतना पानी दें कि जो पानी जो नीचे तक चला जाए। इसमें एक मग्गा पानी बहुत है। अब ये इसको हम साइड में रख देंगे और 10-15 दिन के बाद हम इसको धूप में ले आएंगे। तब तक इसमें नई रूट्स आ चुकी होगी। तो कोई भी प्लांट्स आप रिपोर्टिंग करें, कलम लगाएं, तो उसको शेड में ही रखें तब तक जब तक उसमें नई रूट्स ना जाएं। उसके बाद आप उसको आप आउटडोर ला सकते हैं, धूप में ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।